नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। मोहन भागवत आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान बुद्धिजीवियों को संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन के दौरान उन्होंने उदाहरण के जरिए कुछ बयान दिए। मोहन भागवत ने ये बताया कि भौतिक साधनों की वृद्धि के बावजूद आज कोई भी खुश नहीं, हर कोई विरोध कर रहा है। लेकिन इस बयान से ओवैसी को मिर्ची लग गई। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। भागवत ने यह बयान सभी के संदर्भ में दिया था, लेकिन इस बयान को कोई दिल पे ले ले तो फिर कोई क्या कहे। कौन सुखी है, कोई सुखी नहीं। सब लोग आंदोलन करते हैं। मिल मालिक आंदोलन करते हैं, मिल का मजदूर आंदोलन करता है, मालिक भी आंदोलन करता है, सेवक भी आंदोलन करता है, सरकार भी आंदोलन करती है। सरकार में जो लोग है दूसरी जगह नहीं है तो वहां आंदोलन करते हैं, जनता भी आंदोलन करती है, छात्रों का भी आंदोलन है, शिक्षकों का भी आंदोलन है, सभी दुखी, सभी असंतुष्ट और सभी में कलह। इतना प्रगत हो गया विज्ञान, इतने निकट आ गए लोग, ज्ञान की कक्षा इतनी बढ़ गई, कट्टरवाद बंद हुआ नहीं हुआ, हिंसा बंद हुई नहीं हुई, उग्रवादियों का संकट चला गया नहीं चला गया, वो बढ़ते चला जा रहा है। विश्व का एक संदर्भ है जिसमें धन बल विश्व का बढ़ा है, साधन बल बढ़ा है, उसके कारण मनुष्य का अपना बल भी बढ़ा है, आयु मर्यादा बड़ी हो गई है, रोगों से मुक्ति मिल गई है, अधिक स्वस्थ बन सकते हैं सब लोग और ज्ञान भी बढ़ गया है। परंतु परिणाम क्या हो रहा है? विवाद बढ़े, कलह बढ़े है, खून खराबा हो रहा है। ये भी एक दूसरा संदर्भ है। ऐसा क्यों हुआ है? तो अपने यहां ऐसा कहते हैं कि ये दृष्टि का परिणाम है। सबको ये प्राप्त होने के बाद भी परिणाम क्या निकालना है तो हमारी बुद्धि पर है ना। तो जिसकी दुष्ट बुद्धि है वो क्या करता है? विद्या विवाद आए, धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडन आय। ज्ञान बढ़ता है, उसका उपयोग विवाद के लिए करता है, अपने अहंकार को लेकर, मेरी ही सही बाकी सब गलत, इस अहंकार में चलता है। अथवा उसका उपयोग करके लोगों को आपस में लड़ाने के लिए जो करना चाहिए वो करता है, चल रहा है अपने यहां नया नया मनगढ़ंत, ऐसा कुछ रचकर उसको कच्चे दिमागों में भरकर उनको एक दूसरे के द्वेष्टा बनाने का काम अपने यहां तो चल ही रहा है, सारी दुनिया में चलता है। साधन आ गया है सोशल मीडिया जैसा, कितना अच्छा साधन है, सारी जानकारी मिल सकती है, एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दूसरे से विवाद करते हैं, जानकारियां भ्रष्ट करके इधर उधर भेजते हैं, ये सारी बातें होती है। क्यों? विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस। ये दुष्टों की नीति है। वो उन विद्या का उसका परिणाम नहीं, वो साधनों का प्रताप नहीं है, प्रताप है इस दुष्ट बुद्धि का। साधोर विपरीत भेद, अच्छे लोग इससे विपरीत करते हैं, ज्ञानाय धानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग लोगों का ज्ञान बढ़ाने में करते हैं, धन का उपयोग दान करके लोगों का जीवन अच्छा करने में करते हैं, और बल का उपयोग दुर्बलों को सुरक्षित करने में करते हैं। ये दृष्टि का फर्क है। अब यहां दुष्ट और सज्जन कहा है, लेकिन हमको बिना कारण किसी को दुष्ट कहने की आवश्यकता नहीं है, वैसे दुष्टता होती भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य, हम ऐसा मानते हैं संघ के लोग, कि मूलतः अच्छा मनुष्य होता है। संघ प्रमुख के इस बयान से कहीं भी ये नहीं झलकता कि ये बयान ओवैसी के संदर्भ में, लेकिन ओवैसी ने इस बयान को दिल पर लिया और बवाल करना शुरू कर दिया। ओवैसी ने भागवत के इस बयान पर कहा, नए भारत में आपका स्वागत है। ये तो बेहद बुरा है कि बीजेपी के वैचारिक अभिभावक ने भी इसे माना है। भागवत को बताना चाहिए कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। ये विरोध 5 मिलियन टन इकोनॉमी की वजह से तो नहीं ही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में संघ के कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख वर्तमान विश्व परिदृश्य में भारत की भूमिका विषय पर बोल रहे थे
और भारत को लेकर उन्होंने जो भी बोला वो आज इस देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए। और इसलिए भारत को पहला काम है बड़ा होने का, समर्थ होने का, पहला काम है स्वयं को जानने का। नहीं तो आज इस बात को ही जानना दुभर हो गया है। नई पीढ़ी तो जानती ही नहीं, हम बताते भी नहीं, और हमारी पीढ़ी के अनेक लोग ऐसे हैं कि उनको इन बातों का गंदा तक नहीं है। अगर हमने कहा कि हमारे पास कोई ज्ञान था, कोई विज्ञान था, तो वो हंसते हैं, उपहास करते हैं, विरोध भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। जो कुछ अच्छा है वो बाहर से ही आया है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन जो अच्छा बाहर से आया है उसके मूल में जाते हैं तो वो अच्छा वहां यहीं से गया है, ये भी कभी कभी पता चलता है। लेकिन उन्होंने वो कमरा बंद कर लिया है, ये ज्ञान हमको चाहिए नहीं, ये ज्ञान नहीं हमको देखना नहीं, उसको जानना नहीं, उसको कचरा पेटी में डालना है। ऐसी वृत्ति वाले लोग हैं। स्वयं की जो ग्लानी रखता है, स्वयं के बारे में जो लज्जा करता है, वो क्या दुनिया को बनाएगा? पहले भारत अपने स्व को जाने, उसके गौरव को जाने, उसको हृदय में धारण करके देश काल परिस्थिति अनुसार एक नया जीवन अपने शाश्वत सत्य संपूर्ण समग्र एकात्म मूल्यों के द्वारा दुनिया को देने के लिए बल संपन्न अपने आप को बनाए। हमको इन सारी समस्याओं का उत्तर पहले भारत के अंदर देना पड़ेगा। भेद का उत्तर हमको समानता से, समरसता से देना पड़ेगा। दारिद्र्य का उत्तर हमको समृद्धि से देना पड़ेगा। वो समृद्धि नीति के साथ आएगी। ज्ञान के, विज्ञान के क्षेत्र में भी हम बढ़ चलेंगे। जैसा एक गीत में कहा है, नील नभ के अर्थ भी, नील नभ, ज्ञान के, विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के अर्थ भी हम क्षेत्र में साकार करेंगे। लेकिन ये सारा एथिक्स के साथ होगा। हमारा विज्ञान जानलेवा नहीं होगा, जान देने वाला होगा। हमको ये अपने देश में करना पड़ेगा। हमको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, हमको अपने आप को निस्वार्थी बनाना पड़ेगा। उसके सामूहिक प्रयास, सामूहिक योजनाएं कुछ चल रही है, कुछ और भी निकलेगी, चलेगी, वो चलेगी तब चलेगी, उसमें हमारा योगदान होना ही पड़ेगा। लेकिन आज से, अभी से, इसी क्षण से मेरे अपने जीवन को, मेरे घर परिवार की जीवन को तो मैं ऐसा बना सकता हूं ना, यहां से हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। मेरे घर में और मुझे स्व के गौरव का पता है, उसके साथ में एकाकार हुआ, उसको लेके उन शाश्वत मूल्यों के आधार पर आज का देश काल परिस्थिति अनुरूप भेद मुक्त स्वार्थ मुक्त जीवन में जी रहा। मैं जितना ले रहा हूं उससे ज्यादा दे रहा हूं, और अगर आवश्यकता है तो अपने स्वार्थ की होली जलाने के लिए तैयार, सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार। ऐसा अपने आप को बनाना तो हम इस क्षण से प्रारंभ कर सकते हैं, हमको रुकने की जरूरत नहीं है। योजना कुछ जय संघ काम कर रहा है, इसलिए और भी बहुत लोग हैं, और भी नए नए आएंगे और करेंगे, कि उनके लिए हम क्यों रुके। वो जब आएंगे हम हाथ लगाएंगे, क्योंकि हम पहले से ऐसा किएंगे। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाना, अपनी बातों को स्थापित करना, बाकी लोगों की सही बातों को सहर्ष स्वीकार करना। आनो भद्रा कर्तव्यो यन्तु विश्वतः, वो तो हम करते ही है। बाकी लोगों के विचारों को विवेक से स्वीकार करने की बात की ज्यादा कमी नहीं है अपने आप। हम अपने विचारों का सत्य समझे, उसकी परख करें, उसकी परीक्षा करके युगानुकूल रखे, जो पुराना है उसको युगानुकूल बना ले, और जो नहीं हो सकता उसको छोड़ दे निसंकोच। कोई उससे हमारी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आती। जो सही सत्य लोक हितानुकूल है वो रखना, बाकी नहीं। यही धर्म है। दुनिया को धर्म देने के लिए हमको सच्चा धार्मिक बनना है, और अपने प्रेम से सबको जीतना है। शक्ति संपन्न हुए बिना अपने प्रेम को भी दुनिया नहीं समझेगी, ये ध्यान में रखिए।
अपने प्रेम को हमने दिया बिना शक्ति के, लोगों ने उसको मजबूरी समझा, उन्होंने उसकी कीमत वसूल की। हम शक्ति संपन्न होके शांति की बात करेंगे तो सब समझ जाएंगे, देखेंगे इनको कोई जरूरत नहीं हमारी, फिर भी हमको बुला रहे हैं क्योंकि इनके मन में दोस्ती है, ये वास्तव में हमको अपना बंधु मानते हैं। हमारे देश के तंत्र नीति सब बातों की रचना इसके अनुसार होनी पड़ेगी। स्वतंत्रता के बाद अपने संविधान की रचना करते समय अपने संविधानकर्ताओं का यही मानस था। उन्होंने परंपरा से हटकर अनेक बातें की, उन्होंने परंपरा के अनुसार भी अनेक बातें संविधान में रखी है। क्यों रखी है? इसीलिए कि ऐसा भारत खड़ा करना है जो संपूर्ण विश्व को उसका खोया हुआ संतुलन वापस देने वाला, खोए हुए भाईचारे का साक्षात्कार करा देने वाला, जो परोपकार करे इसके लिए एक तात्विक प्रत्यक्ष आधार अनुभूति का देने वाला एक विश्व गुरु भारत, ऐसा धर्म उनको देगा। धर्मदान के लिए हम है, धर्म प्राण देश है, हमको अच्छा पक्का सच्चा धार्मिक बनके दुनिया को अपने शक्ति के आधार पर फिर से प्रेम सिखाना पड़ेगा, फिर से प्रेम सिखाना पड़ेगा। दुष्ट लोग आएंगे, दुष्टों का उत्तर देना यथोचित करना पड़ेगा। हमारे उत्तर देने से उनका विनाश नहीं होगा, उनका उद्धार होगा, ऐसा हमको करना पड़ेगा। अपने ही निर्मित रौरव नरक में वो पड़े हैं, उससे उनका उद्धार करना पड़ेगा, लेकिन पहले हमको अपने ही निर्मित माया भवर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक गीत बहुत अच्छा गीत है भारतवर्ष के लिए, तू कौन था, कौन है, कौन होगा, अरे रे तुझे होश भी कुछ नहीं है, है तू अवश्य विश्व भी सोच वशा, कहीं शांति का तो पता भी नहीं है। सन्मान्य सम्राट सारे भुवन का कनक गर्भ तत्वम, अरे तू वही है, सो हम अभय पूर्ण हुंकार कर दो, न फिर देख तेरे बगैर कुछ नहीं है। ये जैसे एक व्यक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार की बात है, वैसे संपूर्ण विश्व को, लड़खड़ाते विश्व को, विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने वह हमारे पास आई, भूमि हर दलित को पुचकार दी, हर पतित को उद्धार दी, विश्व में गूंजे हमारी भारती, ये पराक्रम अगर करना है तो अपने राष्ट्र के इस सत्व का साक्षात्कार लेकर उसकी दृष्टि के आधार पर युगानुकूल जीवन का उदाहरण हम सबको बनना पड़ेगा, व्यक्तिशः समाज और राष्ट्र के नाते भी, और उसके आधार पर अपने मैत्री में सबको बांधकर, लेकिन ये जानकर कि दुनिया शक्ति के बाद ही मानती है, उस शक्ति की आराधना करते हुए विश्व की इस दुविधा में से उसको बाहर निकालना है, जो ज्ञान, जो साधन संपन्नता का काल और जो बल विश्व के लिए संकट पैदा कर रहा है, वही ज्ञान, वही बल और वही साधन संपन्नता संपूर्ण विश्व के, सृष्टि सहित सारे विश्व के मुक्ति का साधन बने, स्वतंत्रता का साधन बने, उन्नति का साधन बने, यही भारत की भूमिका रहेगी। भारत उसके लिए एक एक कदम डालते हुए तैयार हो रहा है। भारत की इस गति को बढ़ाने का काम इस दिशा में अपने चिंतन और वृत्ति को बढ़ाकर हम